और आपको अपने परिवार के सदस्यों से मिलाते हैं। और ये है मेरी सिस्टर नेहा। बहुत बदमाश था ये, अभी भी है बदमाश, अभी भी बदमाश है, झगड़ालू बहुत है, अभी भी। अच्छा, बहुत खाना है इसके साथ खाएगी, इसके साथ खाएगी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। जी आज हमारे दादाजी की बरसी है, इसलिए आज हमें अपने बाल का मुंडन करवाना होगा और घर में आज जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़े को धुलना है। सारा कपड़ा दी के नहीं धोने? सारा धुल गया और बाकी है दो बार बाकी है। तो ये देखिए हमारे घर में आज जितना भी कपड़ा है सब धुलेगा, जैसे ये बेडशीट को देख रहे होंगे, और भी जितना भी कपड़ा आपको दिख रहा होगा घर में सारा धुलना है। पूरा छत भर गया है और वॉशिंग मशीन में कपड़ा है, उसको भी छत पे डालना है। A few moments later. डैडी आ गए कोर्ट से और हम लोग दोपहर के वक्त निकल लिए अपने दादी गांव की तरफ। जी आखिरी बार जो हम दादी गांव गए थे वह था पिछले साल जून का महीना, उस समय हमारी शादी को लेकर के एक पूजा थी तो उसी में हम घर गए थे। और जब हम वहां गए उसके ठीक लगभग एक दो महीने बाद मेरा चंडीगढ़ में नया जॉब लग गया था, तो हम वहाँ जॉब ज्वाइन कर लिए थे। और जैसे ही जॉब ज्वाइन किए मालूम चला कि हमारे दादाजी का डेथ हो गया है, लेकिन हम आ नहीं पाए, कंपनी वालों से कितनी भी छुट्टी मांगे छुट्टी दिया ही नहीं, तो हम श्राद्ध भी अटेंड नहीं कर पाए थे। इस बीच में हम एक बार आए थे, माँ कुछ मन्नत मांगी थी और माँ का मन्नत पूरा हो गया था, तो फिर हम पूरे परिवार मिलके आए थे, सिर्फ पति देव यहाँ पे नहीं थे तो वो नहीं आ पाए थे। तो हम लोग मंदिर आए थे तो घर भी चले गए थे, घर बगल में ही था। और सॉरी जी, इस वीडियो में जो है ज़्यादातर आपको वॉइस ओवर ही मिलेगा, इसके पीछे कारण है जी, और कारण ये है कि ऑटो में ठीक सामने मेरे पापा बैठे हुए थे और पापा के सामने अभी भी उतना कंफर्टेबल हुए नहीं है। ये बात अलग है कि उनको मालूम है कि अब ये व्लॉग करता है और कई बार सामने से शूट भी किया है, फिर भी एक अंदर से एक अलग तरह का डर रहता है उनके सामने। और दूसरी बात है जी, गांव में अभी भी कंफर्टेबल नहीं हुए हैं कि सभी फैमिली के बीच में व्लॉग करना, इसलिए जो है ज़्यादातर वॉइस ओवर में ही रखा है। लेकिन आप लोगों से वादा है कि हम अपनी कज़न की शादी में जा रहे हैं गाँव फिर से, तो उस समय आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाएंगे, एक एक फैमिली मेम्बर से मिलवाएंगे जी। और यह आ गया जी हमारे गांव का मोर। पहले इधर पक्की सड़क नहीं हुआ करती थी, कच्ची सड़क होती थी, और जब से हमने होश संभाला है तब से हमने देखा या तो कच्ची सड़क या नहीं तो ईटा सोलिंग रोड, और ईटा सोलिंग जब हो भी जाता था बारिश हुई और सारा रोड ख़त्म। और इस बार जो पक्की सड़क देखा हमने, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि पक्की सड़क आ गई है हमारे गाँव में, और गाँव में आ भी गई है तो यह नहीं सोचा था कि बिना गड्ढों के मिल जाएगी यह सड़क। लेकिन चलिए जी, इस बार गांव की प्रगति देख करके अच्छा लगा, और हर गांव अब देख रहे तेज़ी से प्रगति कर रहा है। पहले तो हमारे गांव की तरफ बिजली भी नहीं थी, अब बिजली भी आ गई है तो काफ़ी अच्छा लगा। और जी अब हम पहुंच गए अपने घर, अब अपने घर पहुंचकर आपको सभी परिवार से मिलवाते हैं। मैं यहाँ पर और आपको अपने परिवार के सदस्यों से मिलाते हैं। और ये है मेरी सिस्टर नेहा। और ये देखिए, ये मुँह छिपा रही है, एक बार चेहरा दिखा दो। ये है नन्ही। और कहाँ गया? और कोई भाग रहा था ना? शिवम। और ये है मेरा भाई शिवम। बहुत बदमाश था ये, अभी भी है बदमाश, अभी भी बदमाश है, झगड़ालू बहुत है, अभी भी। अच्छा। और इसको क्रिकेटर बनना है ना? हाँ। ये हमारी बड़ी मम्मी, हाँ, सेकंड नंबर की बड़ी मम्मी। सब देखेगा तुमको, 50,000 आदमी देखेगा। हमारे मुंह ना कान चिकन या करा तो देख रहे थे। काहे ना चिकन, अभी भी एकदम लगती है। हां तब तुमको भी यूट्यूबर बनना था ना? हाँ। तो वीडियो नहीं डाला तुम एक भी? अभी सोचे नहीं है, मतलब जिस चीज के बारे में बनाना चाहते थे वो अभी नहीं, बाद में बनाएंगे। अच्छा बाद में बनाओगे, चलो कोई बात नहीं। और ये है मेरी भतीजी, क्या नाम है तुम्हारा? रोली नाम है।
रोहिता रॉय नाम क्या है? पापा का हर्षवर्धन रॉय। अबे तुम्हारा बर्थडे 14 दिसंबर। तो गिफ्ट में क्या चाहिए आपको? पायल चाहिए। अब मुझे क्या दोगी आप गिफ्ट में? पायल। अच्छा गिफ्ट में भी पायल ही दोगी? चाहिए आपको? किस तरह से लिपस्टिक लेती है ये? तुम्हारा वीडियो बन रहा है रोली, सभी देखेंगे तुम्हारी वीडियो को। वीडियो तुम्हें अपना वीडियो देखना है? दिखाती है तुमको वीडियो, पहले शूट तो करो। ओए होए होए शूट पोज तो अच्छा सा। ओ हो, और यहाँ मेरी माँ भी आ गई है अपनी ड्यूटी से, काफी चिंतित लग रही है इस समय। अरे देखो यही मास्टर की दादी पढ़ाती है, टीचर है, तुझे पता है कि टीचर है, समझी? ओ हो 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 गया, भोज खाना है इसके साथ खाएगी? इसके साथ खाएगी? ओम कैसे करती है रवि? ओहो जी, श्राद्ध में जो भोजन करवाया जाता है यही भोजन करवाया जा रहा है यहाँ पर गांव वालों को। गांव वालों के साथ साथ हम लोग भी यहाँ पर अपना भोजन कर लिए और हमें रात में ही निकलना पड़ा, उसी दिन ठीक रात में। यदि काफ़ी जल्दबाजी में हो गया, ये शाम में आए और रात में निकल गए। इसके पीछे कारण यह था कि घर को अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं रहता है हमारे मोहल्ले में। जैसा कि आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि काफी ज्यादा चोरी हो रही है हमारे मोहल्ले में, इंटरनेशनल चोर सब आ गए हैं हमारे मोहल्ले। ऐसे चोर है जी, पूछिए मत। लोग कुछ घंटे के लिए जाते हैं, पता नहीं चोरों को कहाँ से भनक लग जाती है और घर में चोरी हो जाती है। और भया भतीजा भरल मोहल्ला करते था पूजे में। हमे कटिहार जा रहा चाहे छो 10:30 बजे तक। हाँ मिलकर बढ़िया रोड बढ़िया से घी देवे एक घंटा में, अरे देखा तो 3 घंटा में पहुँच गए। जी अब इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। तो बताइए आपको कैसा लगा ब्लॉग, और आपसे वादा है कि हम कुछ दिनों बाद जब गांव जाएंगे तो आपको पूरा अपना गांव दिखाएंगे और अपने सारे परिवार वालों से मिलवाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले।